यूपीआई से लेन देन पड़ेगा महंगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन पर देना होगा पीपीआई शुल्क। जाने कितना लगेगा चार्ज। 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत के साथ ही यूपीआई से लेन देन भी महंगा होने वाला है। यूपीआई को संचालित करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अप्रैल की पहली तारीख से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है। यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लागू की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपए से ज्यादा के पैसों का ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में से इंटरचेंज फीस देनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई के सर्कुलर में 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर ही ये इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी। ये फीस आमतौर पर 2,000 रुपए से ज्यादा की राशि का कुल 1.1% होगा। गौरतलब है कि एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की है। कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी। ये चार्ज मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देनी होगी। एनपीसीआई के सर्कुलर से संकेत मिल रहे हैं कि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट यानी कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यम से अगर आप 2,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो फिर आपको इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% यूपीआई पीटूएम लेन देन 2,000 रुपए से ज्यादा के मूल्य के होते हैं। ऐसे में इन पर 0.5 से लगभग 1.1% का इंटरचेंज लगाया जा सकता है। आपको बता दें पीपीआई में वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन आता है। आमतौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ी हुई होती है और इसे लेन देन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद एनपीसीआई इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पेयर टू पेयर यानी कि P2P और पेयर टू पेयर मर्चेंट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है।